हेलो यार गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर के शॉर्टकट की। लाइक मैंने इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाई थी, एक वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, 30,000 के अराउंड व्यू हैं। तो ये वीडियो में आपको मैं 10 ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा जो आप यूज़ करके लाइक कम टाइम में कोई काम कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं जो कोई भी टास्क जो है कम टाइम में कर पाए, उसके लिए आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं ये टिप देने वाला हूँ। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जस्टेक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबसे पहली टिप होने वाली है वो होने वाली है कंट्रोल जेड रिलेटेड। आप पूछेंगे लाइक कंट्रोल जेड में क्या नया है, ये तो हम सबको पता है। बेसिकली इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है अंडू के लिए। तो मैंने कुछ ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैं आपके सामने कुछ और टाइप करता हूँ, उसके बाद में कंट्रोल जेड दबाता हूँ। कंट्रोल जेड से जो है जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था टाइप किया था वो चला गया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि कंट्रोल जेड का अल्टरनेट क्या, मतलब सेम चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, कोई और के बताइए जिससे आप सेम अंडू वाला कर सकते हैं, अंडू फीचर कर सकते हैं, तो मोस्टली मैं गैस करूँगा 90% को ये पता नहीं होगा कि आप ऑल्ट बैकस्पेस को कंट्रोल जेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट बैकस्पेस, मैं फिर से एक बार कंट्रोल वाई जो रीडू होता है उससे दिखाता हूँ। अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो ये जो लास्ट में लिखा गया था वो यहाँ से हट गया। अब मैं नेक्स्ट प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट बैकस्पेस, ओल्ड बैक स्पेस से भी सेम काम हो रहा है गाइस। तो अगर आपको ये नहीं पता था, आपको पहली बार पता चला है कि ओल्ड बैक स्पेस का हम इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, तो ये वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे देखते रहिए पूरा वीडियो। देन नेक्स्ट कंट्रोल वाई रीडू करने के लिए, आई गेस ये तो मोस्टली आपको पता ही होगा अंडू रीडू के लिए कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की ओर। मान लो आपको कोई भी स्नैपशॉट लेना है, इस पूरा स्क्रीन है, पूरा स्क्रीन का नहीं, आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया के का स्नैपशॉट लेना है, उसके लिए क्या करते हैं। आई गेस आप बोलोगे कि आप विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाइए। विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन काम तो करता है, लेकिन पूरा का पूरा जो स्क्रीन होता है, पूरा हमारे लैपटॉप की स्क्रीन, डेस्कटॉप की स्क्रीन, उसको कैप्चर कर लेता है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर एरिया के लिए चाहिए, मान लो हमें यहाँ से लेके यही सिर्फ चाहिए पेस्ट करना है, उसके लिए क्या हम करेंगे। उसके लिए सिंपल शॉर्टकट है विंडो शिफ्ट एस। विंडो शिफ्ट एस से क्या होगा, ये यहाँ पे हमारे पास क्रॉप टूल आ जाएगा। क्रॉप टूल से हम कोई भी पर्टिकुलर जो स्क्रीन है उसको यहाँ पे लाके उसका पेस्ट कर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जितना चाहें क्रॉप कर पाएंगे। ठीक है, और ये काम कहाँ पे करेगा, लाइक ये क्लिपबोर्ड में कुछ टाइम के लिए सेव रहता है, तो क्लिपबोर्ड में आप जाने के बाद इसको जहाँ पे चाहें, लाइक आप पेंट में जाके इसको पेस्ट करना चाहें, वर्डप्रेस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह में आपको इसको एक बार जो है पेस्ट करके सेव करना होगा। तो ये हमारे अभी कॉपी है, जितना चाहें हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, देन आपको पता है लाइक एक एक वर्ड बैकस्पेस से डिलीट होता है। ठीक है, बैकस्पेस से सिर्फ एक ही वर्ड डिलीट होगा, पूरा का पूरा ये लाइक एक एक अल्फ़ाबेट डिलीट होगा। आपको पूरा वर्ड डिलीट करना है, कैसे करेंगे उसके लिए सिंपल है। आपको आपको कंट्रोल के साथ बैकस्पेस प्रेस करना होगा। कंट्रोल के साथ बैकस्पेस प्रेस करने के बाद आप कोई भी वर्ड, पूरा का पूरा वर्ड जो है डिलीट कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड, दिस इज, तो कंट्रोल बैकस्पेस पूरा का पूरा यहाँ पे डिलीट हो रहा है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट टिप की, जो कि कोई भी फाइल का आपको नेम चेंज करना है। मान लो ये फोल्डर 2 है, इसको रीनेम करने के लिए आप जाएंगे सिंपली रीनेम पे, देन उसको चेंज करेंगे। कितने स्टेप हुए, पहले इस पर क्लिक, दूसरा, तीसरा एंड करने के बाद एंटर, चौथा, चार स्टेप। अगर मैं आपको बोलूं कि ये आपको इतने स्टेप करने की ज़रूरत ही नहीं, इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल किसी भी फोल्डर पर जाएंगे जिसका नाम आपको चेंज करना है, यहाँ पे F2,
जाने के बाद यहाँ पे F2, सिंपल F2 से आप जो है नेम चेंज कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, न्यू JS, डन। फोल्डर का नेम भी चेंज हो गया एंड इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो इसमें माउस सिर्फ एक बार ओवर करने के लिए, क्लिक करने के लिए होता है, दूसरा F2 दबाएंगे एंड आप कुछ भी जो है उस फाइल का नाम चेंज कर पाएंगे बड़ा इजीली। देन बात करते हैं, अगर आपको ब्राउज़र जो है बिना माउस का यूज़ करना है, बिना माउस के कंट्रोल करना है, मैंने एक वीडियो उसके लिए बनाया है, अगर आप इंटरेस्टेड है देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपको पता होगा टैब कैसे ओपन करते हैं या कैसे उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक वेबसाइट ओपन है, अगर आप फ़ोन से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो इस पर आपको मिल जाएगी। तो मेरे को जो ये लाइन है सर्च बार, यहाँ पे आना है और वो मेरे को बिना माउस की हेल्प से आना है, क्योंकि मैं कुछ और सर्च करना चाहता हूँ। तो सिंपल उसका शॉर्टकट है F6, F6 से यहाँ पे आप सिंपल जो सर्च बार है वहाँ पे आ सकते हैं। सर्च बार में आने के बाद आपको जो भी सर्च करना है आप उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, फेसबुक होगी, बड़ा ईजीली यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा, सेम F6 प्लस एंटर या F5 से आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये भी शॉर्टकट है, किसी को नहीं पता पेज रिफ्रेश करने के लिए, जो बार बार यहाँ पे आके रिफ्रेश करना है, F5 से होता है या F6 एंटर से होता है रिफ्रेश। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अगर हमें मान लो कोई विंडो है, सिर्फ इतने एरिया का हमें फ़ोटो खींचना, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था विंडो शिफ्ट S से होता है, लेकिन अगर आप जो है ओल्ट के साथ प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो जो ये विंडो ओपन होगी ना, जो भी विंडो ओपन होगी उसका फ़ोटो आपको आपके जो है क्लिपबोर्ड में आ जाएगा। तो देखो सिर्फ उतने एरिया का है जो बैकग्राउंड में है, सिस्टम आपका बैकग्राउंड में है, ये बैकग्राउंड में स्क्रीन थी उसका नहीं है, लेकिन जितनी ओपन विंडो है उतने का ही आपको स्नैपशॉट मिला है। ओके, तो ये भी टिप थी, मोस्टली आपको नहीं पता होगा, अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये आपको पता था नहीं पता था। बात करते हैं कोई भी फाइल की हमें कॉपी करनी, मान लो ये हमें कॉपी करना है, पहले कट करेंगे, सॉरी पहले कॉपी करेंगे देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिंपल मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ, आप इस पे जाएंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे देन ड्रैग करते जाएंगे, कॉपी उस पर्टिकुलर फाइल की होती रहेगी। ओके, एंड इनकी करनी है तो एक बार में इतनों की भी कॉपी हो सकती है, सिंपल ड्रैग एंड कॉपी। ओके, तो ये बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, अगर आपको पता था तो ज़रूर मेरे को बताइए ये शॉर्टकट, नहीं पता था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको पता था ये या नहीं पता था। ओके, तो विंडो सेटिंग कैसे ओपन करेंगे ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले वीडियो में, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है, विंडो आई है क्विक सेटिंग के लिए, विंडो आई अगर आप प्रेस करेंगे विंडो प्लस आई, तो आप विंडो के जो सेटिंग्स हैं उसमें बड़ा ईजिली आप एंटर कर पाएंगे। देन एक शॉर्टकट है कंट्रोल ओल्ट एफ फोर आप मोस्टली सिस्टम क्लोज करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट आप कोई भी ऐप को क्लोज करने के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओल्ट एफ फोर दबाऊँगा तो जो हमारा क्रोम ब्राउज़र था वो यहाँ से डिलीट हो गया। एंड चलो एक एडिशनल टिप बता देता हूँ, मैंने ये डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, फिर भी आपने देखा लाइक ब्राउज़र क्लोज करने से पहले दो टैब ओपन थे मेरी वेबसाइट के, मैंने वो फिर से यहाँ पे ओपन कर दिया। ओके, एंड ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कैसे आप करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी आप प्रेस करेंगे तो जो भी आपने टैब क्लोज किया है उसको आप रीओपन कर पाएंगे। मान लो आप टैब क्लोज करने से पहले कुछ सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल एस है, कंट्रोल एस से आप जाके कोई भी फाइल वगैरह हो उसको सेव कर सकते हैं बड़ा इजीली, ताकि बाद में आप उस पर्टिकुलर फाइल को वहीं से एक्सेस कर पाएं।
ऑल्दो आप इसके लिए बुकमार्क का यूज़ भी कर सकते हैं, बुकमार्क अगर आपको कोई करना है तो वो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं यहाँ से आपको दे दूँगा। एंड विंडो ए एक्शन के लिए होता है, तो जो ये एक्शन बार है यहाँ पे आप विंडो ए से आ सकते हैं, क्विक एक्शन बार। तो ये था गाइस इस वीडियो के लिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आई होगी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे अपने काम को इजी बनाने के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लाता रहूँ और मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।